चश्मे बद्दूर में ओमी, ये जो है जिंदगी में राजा और श्रीमान श्रीमती में दिलरुबा के रूप में घर घर फेमस हुए एक्टर राकेश बेदी को कौन नहीं जानता। पिछले 44 सालों से वे टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वे कई चर्चित मूवीज से लेकर सुपरहिट टीवी शोज का हिस्सा भी रह चुके हैं। अक्सर कॉमिक रोल्स में सबको हंसाने गुदगुदाने वाले ये एक्टर खुद को आज भी एक थिएटर आर्टिस्ट मानते हैं। आज हम बात करेंगे राकेश बेदी के बारे में, पत्नी और परिवार में कौन कौन है ये भी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। राकेश बेदी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को हुआ था। इनकी उम्र 69 साल है। दिल्ली के करोल बाग में जन्मे एक्टर ने DPS और केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है। राकेश बेदी स्कूल में पढ़ाई के दौरान अच्छे नहीं थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे केमिस्ट्री में बहुत खराब थे। वे प्रैक्टिकल्स के भरोसे ही रहते थे जिससे वो पासिंग मार्क्स ला सकें। उन्होंने स्कूल से ही मोनो एक्टिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस दौरान कई कॉम्पिटिशन्स भी जीते थे और यहीं से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में आने का मन बना लिया था। हालांकि उनके पेरेंट्स इस बात से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि राकेश इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करें। हालांकि इसके लिए उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की, लेकिन परीक्षा के शुरू होने के 5 मिनट बाद ही उन्होंने आंसर शीट लौटा दी और कहा कि वो गलत पते पर आ गए हैं। राकेश बेदी ने वहां से निकलकर एक्टिंग में ग्रेजुएशन फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट यानी FTII से किया। फिर थिएटर करना शुरू किया। उन्होंने अपने थिएटर प्ले मैसेज में 24 अलग अलग किरदार निभाए थे जो कि काफी पॉपुलर हुए थे। इसके अलावा जब वी सेपरेटेड और पत्ते खुल गए जैसे प्लेज भी शामिल हैं। 1972 में उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप शुरू किया जिसका नाम अंकुर आर्ट्स रखा। ये दिल्ली में स्थित है। इन्होंने कई हिंदी शॉर्ट्स फिल्मों में भी एक्टिंग की। इसमें बोंगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मेरा नंबर कब आएगा और रेंट शामिल हैं। राकेश बेदी ने श्रीमान श्रीमती में दिलरुबा का किरदार निभाया था और रातों रात फेमस हो गए थे। मगर एक्टिंग करियर की शुरुआत उन्होंने 1979 में फिल्म एहसास से की थी। एक्टर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया था कि ये मूवी उनके लिए एक कैंपस प्लेसमेंट थी। ये FTII में उनके कॉन्वोकेशन के वक्त उन्हें ऑफर हुई थी। शोले के प्रोड्यूसर JP Sippy उस इवेंट में बतौर चीफ गेस्ट आए थे। इवेंट में मैंने लव इन पेरिस, वॉर इन कच्छ नामक थिएटर प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेरा प्रदर्शन देखने के बाद सिप्पी साहब ने मुझसे कहा कि वे एक फिल्म बना रहे हैं और मैं उनके एक्टर्स में एक हूं। राकेश बेदी का फिल्मी सफर तो शुरू हो गया, लेकिन उन्हें आज तक किसी बात का अफसोस नहीं है। उन्होंने लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सबका मुस्कुराहट से सामना किया। राकेश बेदी FTII ज्वाइन करने से पहले दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा थे। उनके साथ कई नाटक भी किए थे। वे ग्रेजुएट हुए और भारत के सबसे पुराने थिएटर इप्टा में शामिल हो गए और तब से वे स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के 2 सालों को छोड़कर उन्होंने अपनी लाइफ का एक दिन भी मिस नहीं किया जब वह मंच पर ना गए हों। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो राकेश बेदी की आराधना बेदी से 1985 में शादी हुई थी। कपल को 2 बेटियां हैं, रितिका बेदी और रिधिमा बेदी, जिसमें रितिका बेदी OTT प्लेटफॉर्म द वायरल फीवर में टैलेंट कोलैब मैनेजर हैं, जबकि रिधिमा अपने पिता की तरह एक एक्टर हैं, जिन्होंने संघार, द मसाकर, फ्री टिकट और रेंट जैसी मूवीज में काम किया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। वैसे राकेश बेदी की कौन सी मूवी या सीरियल आपकी पसंदीदा है ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद।